शिमला से बड़ी खबर। शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बयान। दिल्ली में आलाकमान का धन्यवाद करने गए थे मुख्यमंत्री। सीपीएस को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। सीपीएस पोस्ट बीजेपी ने क्रिएट किए, मुख्यमंत्री का यह कहना है। जयराम सरकार ठग सरकार थी, मुख्यमंत्री ने यहां पर निशाना साधा है पूर्ववर्ती सरकार पर और आरोप लगाए हैं कि ठग सरकार थी जयराम सरकार। सीपीएस यानी कि मुख्य सचिव और सचिव के पोस्ट को लेकर बड़ा बयान यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का। तो बड़ी और अहम खबर मैं आपको बता रहे हैं, शिमला लौट गए हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली दौरे पर थे, दिल्ली से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ठग सरकार थी जयराम सरकार। सीपीएस को लेकर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। आपको बता दें जयराम ठाकुर ने सीपीएस को लेकर ट्वीट किए थे और उस पर जवाब मुख्यमंत्री का। जो सीपीएस का पद होता संवैधानिक नहीं है, वो पद पोस्ट क्रिएट की गई है। कहने का मतलब है कि वो जो मिनिस्टर्स के साथ सलाह दे सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते। पोस्टें जो ये छह थी ये भारतीय जनता पार्टी के समय ही क्रिएट की गई थी, उन्होंने भरी नहीं, हमने भर दी। तो अब उनको आरोप लगाने के अलावा और क्या काम रह गया? भाजपा कह रही है कि उसको लेकर कोर्ट में जा सकते नहीं, वो तो हर चीज को लेकर कोर्ट में जाने की बात करती है। 75 साल में जो संस्थान खुले उन संस्थानों को कांग्रेस की पार्टी की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही मजबूत किया। 4.5 साल तक जयराम सरकार ने भी मजबूत किया। 6 महीने में ऐसी दैवीय शक्ति जयराम ठाकुर जी में आई कि 900 संस्थान खोल दिए। 5,000 करोड़ रुपया उन संस्थानों को चलाने के लिए चाहिए था। बैट कम कर दिया ताकि राजनीतिक रोटियां सेकी जाए और चुनाव जीता जा सके। फिर भी जनता ने 900 संस्थान खोलने के बाद बैट कम करने के बाद उनको नहीं जिताया, क्योंकि जनता ये जानती थी कि ये सरकार हमको ठग रही है। और जब जनता ये महसूस कर रही है कि जो सत्ता में बैठी सरकार उनको ठग रही है, उसका परिणाम ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। ये इस सरकार को भी जनता कहती है ठग सरकार थी ये जो पिछले 5 साल वाली। अब काम करने वाली सरकार आई है, नया और युवा मंत्रिमंडल बना है, नए चेहरे बने हैं, स्वच्छ छवि के लोग बने हैं। आने वाले समय में आप उसका परिणाम भी देखें। जो सीपीएस